मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी डॉक्टर जितेंद्र सिंह, श्री पी के मिश्रा जी, श्री राजीव गौबा जी, श्री श्रीनिवासन जी और इस कार्यक्रम में जुड़े सभी कर्मियों की साथियों, देवी और सज्जनों, आप सभी को सिविल सेवा दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस साल का सिविल सर्विस डे बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। एक ऐसा समय है जब देश ने अपनी आजादी के 75 वर्ष पूरे किए हैं। एक ऐसा समय है जब देश ने अगले 25 वर्षों के विराट विशाल लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए तेजी से कदम बढ़ाना शुरू किया है। देश को आजादी के इस अमृत काल तक लाने में उन अधिकारियों की बड़ी भूमिका रही जो 15, 20, 25 साल पहले इस सेवा में आए। अब आजादी के इस अमृत काल में उन युवा अधिकारियों की भूमिका सबसे बड़ी है जो अगले 15, 20, 25 साल इस सेवा में रहने वाले हैं। इसलिए मैं आज भारत के हर सिविल सेवा अधिकारी से यही कहूंगा कि आप बहुत भाग्यशाली हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि मेरी बात पे आपको भरोसा होगा। हो सकता है कुछ लोग न भी मानते हो कि वो भाग्यशाली नहीं है, अपनी अपनी सोच, हर किसी को मुबारक। आपको इस कालखंड में देश की सेवा करने का मौका मिला है। आजादी के अमृत काल में देश के स्वाधीनता सेनानियों के सपनों को पूरा करने का दायित्व हम सभी पर है। हमारे पास समय कम है लेकिन सामर्थ्य भरपूर है। हमारे लक्ष्य कठिन है लेकिन हौसला कम नहीं है। हमें पहाड़ जैसी ऊंचाई भले चढ़नी है लेकिन इरादे आसमान से भी ऊंचे, ज्यादा ऊंचे हैं। पिछले 9 वर्षों में भारत आज जहां पहुंचा है उसने हमारे देश को बहुत ऊंची छलांग के लिए तैयार कर दिया है। मैं अक्सर कहता हूं कि देश में ब्यूरोक्रेसी वही है, अधिकारी कर्मचारी वही है लेकिन परिणाम बदल गए हैं। पिछले 9 वर्षों में भारत अगर विश्व पटल पर एक विशिष्ट भूमिका में आया है तो इसमें आप सबका सहयोग बड़ा महत्वपूर्ण रहा है। पिछले 9 वर्षों में अगर देश के गरीब से गरीब को भी सुशासन का विश्वास मिला है तो इसमें भी आपकी मेहनत ने रंग लाया है। पिछले 9 वर्षों में अगर भारत के विकास को नई गति मिली है तो ये भी आपकी भागीदारी के बिना संभव नहीं था। कोरोना के महासंकट के बावजूद आज भारत
दुनिया की पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। आज भारत फिनटेक वर्ल्ड में छाया हुआ है। डिजिटल पेमेंट्स के मामले में भारत नंबर वन है। आज भारत दुनिया के उन देशों में है जहां मोबाइल डेटा सबसे सस्ता है। आज भारत में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। आज देश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था बहुत बड़े परिवर्तन के दौर से गुजर रही है। 2014 के मुकाबले आज देश में 10 गुना ज्यादा तेजी से रेल लाइनों का इलेक्ट्रिफिकेशन हो रहा है। 2014 के मुकाबले आज देश में 2 गुनी रफ्तार से नेशनल हाईवेज का निर्माण हो रहा है। 2014 के मुकाबले आज देश के पोर्ट्स में कैपेसिटी ऑगमेंटेशन लगभग 2 गुना हो चुका है। 2014 के मुकाबले आज देश में एयरपोर्ट्स की संख्या भी 2 गुना से ज्यादा हो चुकी है। आज यहां जो पुरस्कार दिए गए हैं वो देश की सफलता में आपकी इसी भागीदारी को प्रमाणित करते हैं, आपके सेवा भाव को परिलक्षित करते हैं। मैं सभी पुरस्कृत साथियों को फिर एक बार बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, बीते वर्ष 15 अगस्त को मैंने लाल किले से देश के सामने पंच प्राणों का आह्वान किया है। विकसित भारत के निर्माण का विराट लक्ष्य हो, गुलामी की हर सोच से मुक्ति हो, भारत की विरासत पर गर्व की भावना हो, देश की एकता एकजुटता को निरंतर सशक्त करना हो और अपने कर्तव्यों को सर्वोपरि रखना हो, इन पांच प्राणों की प्रेरणा से जो ऊर्जा निकलेगी वो हमारे देश को वो ऊंचाई देगी जिसका वो हमेशा हकदार रहा है। मुझे देखकर भी अच्छा लगा कि आप सभी ने इस वर्ष सिविल सेवा दिवस की थीम का भी विकसित भारत रखी है। विकसित भारत के निर्माण के पीछे क्या सोच है ये उस पुस्तक में भी झलकता है जिसका अभी विमोचन हुआ है। विकसित भारत सिर्फ आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर या आधुनिक निर्माण तक सीमित नहीं है। विकसित भारत के लिए आवश्यक है भारत का सरकारी सिस्टम हर देशवासी की आकांक्षाओं को सपोर्ट करे। विकसित भारत के लिए आवश्यक है भारत का हर सरकारी कर्मचारी देशवासियों के सपनों को सच करने में उनकी मदद करे। विकसित भारत के लिए आवश्यक है भारत में सिस्टम के साथ जो नेगेटिविटी बीते दशकों में जुड़ी थी वो पॉजिटिविटी में बदले। हमारा सिस्टम देशवासियों के सहायक के रूप में अपनी भूमिका को आगे बढ़ाए। साथियों, आजादी के बाद के दशकों का हमारा अनुभव रहा है योजनाएं कितनी भी बेहतर हो, कागज पर कितना ही शानदार रोडमैप क्यों ना हो, लेकिन अगर लास्ट माइल डिलीवरी ठीक नहीं होगी तो अपेक्षित परिणाम नहीं मिलेंगे। आप बड़ी भांति जानते हैं
कि पहले के सिस्टम की ही देन थी कि देश में 4 करोड़ से ज्यादा फर्जी गैस कनेक्शन थे। ये पहले की सिस्टम की ही देन थी कि देश में 4 करोड़ से ज्यादा फर्जी राशन कार्ड थे। ये पहले की सिस्टम की ही देन थी कि देश में 1 करोड़ काल्पनिक महिलाओं और बच्चों को महिला और बाल विकास मंत्रालय की सहायता जा रही थी। ये पहले की सिस्टम ही थी और उसी की देन थी कि अल्पसंख्यक मंत्रालय करीब 30 लाख फर्जी युवाओं को स्कॉलरशिप का लाभ देता रहता था। और ये भी पहले की ही सिस्टम की देन है कि मनरेगा के तहत देश में लाखों ऐसे फर्जी अकाउंटेंट बने, लाखों ऐसे श्रमिकों के पैसे ट्रांसफर किए गए जिनका अस्तित्व ही नहीं था। अब सोचिए, जिनका कभी जन्म ही नहीं हुआ, वो सिर्फ कागजों में ही पैदा हुए, ऐसे लाखों करोड़ों फर्जी नामों की आड़ में एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम भ्रष्टाचार में जुटा था। आज देश के प्रयासों से, आप सभी के प्रयासों से ये सिस्टम बदला है। देश के करीब करीब 3 लाख करोड़ रुपए गलत हाथों में जाने से बचे हैं। आप सब इसके लिए अभिनंदन के अधिकारी हैं। आज ये पैसे गरीबों की भलाई के काम आ रहे हैं, उनका जीवन आसान बना रहे हैं। साथियों, जब समय सीमित हो तो ये तय करना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि हमारी दिशा क्या होगी, हमारी कार्यशैली क्या होगी। आज चुनौती ये नहीं है कि आप कितने एफिशिएंट है, बल्कि चुनौती ये तय करने में है कि जहां जो डेफिशिएंसी है वो कैसे दूर होगी। अगर हमारी दिशा सही होगी तो एफिशिएंसी की स्ट्रेंथ बढ़ेगी और हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन अगर डेफिशिएंसी होगी तो हमें वो परिणाम नहीं मिलेंगे जिसके लिए हम प्रयास कर रहे थे। आप याद करिए, पहले डेफिशिएंसी की आड़ में हर सेक्टर की छोटी से छोटी चीज को कंट्रोल करने के तरीके बनाए जाते थे, लेकिन आज वही डेफिशिएंसी एफिशिएंसी में बदली है। आज वही एफिशिएंसी पॉलिसी से जुड़ी छोटी सी छोटी बाधाओं को पहचान कर रही है ताकि उन्हें हटाया जा सके। पहले ये सोच थी कि सरकार सब कुछ करेगी, लेकिन अब सोच ये है कि सरकार सबके लिए करेगी। अब सरकार सबके लिए काम करने की भावना के साथ टाइम और रिसोर्सेज का एफिशिएंटली उपयोग कर रही है। आज की सरकार का ध्येय है नेशन फर्स्ट, सिटीजन फर्स्ट। आज की सरकार की प्राथमिकता है वंचितों को वरीयता। आज की सरकार एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट तक जा रही है, एस्पिरेशनल ब्लॉक्स तक जा रही है। आज की सरकार देश के सीमावर्ती गांवों को आखिरी गांव न मानकर उन्हें फर्स्ट विलेज मानते हुए काम कर रही है, वाइब्रेंट विलेज योजना चला रही है।
ये बीते वर्षों में हमारी सरकार की बहुत बड़ी पहचान रही है। लेकिन हमें एक और बात हमेशा ध्यान रखनी है, 100% सेचुरेशन के लिए हमें इससे भी अधिक मेहनत की, इनोवेटिव समाधानों की पल पल जरूरत पड़ेगी। अब जैसे डिजिटल इंडिया का इतना व्यापक इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास उपलब्ध है, इतना बड़ा डेटा सेट हमारे पास है, लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि हर विभाग अपने अपने हिसाब से वही जानकारी, वही दस्तावेज मांगता है जो पहले से ही किसी न किसी डेटाबेस में मौजूद है। प्रशासन का बहुत बड़ा समय एनओसी, प्रमाण पत्र, क्लियरेंस, इन्हीं सब कामों में चला जाता है। हमें इनके सॉल्यूशन निकालने ही होंगे, तभी ईज ऑफ लिविंग बढ़ेगी, तभी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ेगा। मैं आपको पीएम गतिशक्ति नेशनल मास्टर प्लान का भी उदाहरण देना चाहता हूं। इसके तहत हर प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े डेटा लेयर्स एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। इसका हमें अधिक से अधिक उपयोग करना है। हमें सोशल सेक्टर में बेहतर प्लानिंग और एग्जीक्यूशन के लिए पीएम गतिशक्ति का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। इससे हमें लोगों की जरूरतों को आइडेंटिफाई करने में और एजुकेशन में आने वाली मुश्किलों को दूर करने में मदद मिलेगी ही मिलेगी। इससे डिपार्टमेंट्स के बीच, डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक के बीच संवाद और सरल होगा। इससे हमारे लिए आगे की स्ट्रेटजी बनाना भी ज्यादा आसान होगा। साथियों, आजादी का ये अमृतकाल, ये टाइम पीरियड भारत के सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए जितने बड़े अवसर लेकर आया है, उतना ही चुनौतीपूर्ण भी है। इतनी सारी उपलब्धियों के बावजूद, तेज गति से हासिल हुई सफलताओं के बावजूद, मैं इसे चुनौती क्यों कह रहा हूं, और मैं मानता हूं कि इस बात को आपको भी समझना होगा। आज भारत के लोगों के एस्पिरेशंस, उनकी आकांक्षाएं बहुत तेजी से बढ़ रही है। विकसित भारत के लिए, व्यवस्थाओं में बदलाव के लिए अब देशवासी और ज्यादा इंतजार नहीं करना चाहते। देश के लोगों की इस एस्पिरेशन को पूरा करने के लिए हम सबको, आपको पूरे सामर्थ्य से जुटना ही होगा। तेजी से निर्णय लेने होंगे, उन निर्णयों को उतनी ही तेजी से लागू करना होगा। और आपको एक और बात का ध्यान अवश्य रखना होगा कि आज, और ये मैं कह रहा हूं इसलिए नहीं, आप भी अनुभव करते होंगे, आज पूरे विश्व भी की भी, पूरे विश्व की भी भारत से अपेक्षाएं बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। दुनिया भर के एक्सपर्ट्स, विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं ये कह रही है कि भारत का समय आ गया है, इंडियाज टाइम हैज अराइव्ड। ऐसी स्थिति में भारत की ब्यूरोक्रेसी को एक भी पल गंवाना नहीं है। आज मैं भारत की ब्यूरोक्रेसी से, भारत के हर सरकारी कर्मचारी से, चाहे वो राज्य सरकार में हो या केंद्र सरकार में, मैं एक आग्रह जरूर करना चाहता हूं। देश ने आप पर बहुत भरोसा किया है, आपको मौका दिया है, उस भरोसे को कायम रखते हुए काम करिए। मैं आपसे अक्सर कहता हूं कि आपकी सर्विस में आपके निर्णयों का आधार
सिर्फ और सिर्फ देश हित होना चाहिए। हो सकता है फील्ड में आपको किसी एक व्यक्ति के लिए कोई फैसला लेना हो, किसी एक समूह के लिए कोई फैसला लेना हो, लेकिन तब भी आप ये जरूर सोचें कि मेरे इस निर्णय से, निर्णय भले ही छोटा क्यों ना हो, मेरे इस निर्णय से देश का क्या भला होगा। यानी आपके लिए कसौटी देश हित ही है। और मैं आज भारत की ब्यूरोक्रेसी के लिए इस कसौटी में एक और बात जोड़ना चाहता हूं। मुझे विश्वास है आप इस कसौटी पर भी खरा उतरेंगे। साथियों, किसी भी लोकतंत्र में राजनीतिक दलों का बहुत महत्व होता ही है और यह आवश्यक भी है और यह लोकतंत्र की ब्यूटी है। हर दल की अपनी विचारधारा होती है, संविधान ने हर दल को यह अधिकार दिया है, लेकिन एक ब्यूरोक्रेट के तौर पर, एक सरकारी कर्मचारी के तौर पर अब आपको अपने हर निर्णय में कुछ सवालों का अवश्य ध्यान रखना ही पड़ेगा। जो राजनीतिक दल सत्ता में आया है वो टैक्स पेयर्स मनी का इस्तेमाल अपने दल के हित के लिए कर रहा है या देश के हित के लिए कर रहा है, उसका उपयोग कहां हो रहा है, ये आप लोगों को देखना ही होगा। दोस्तों, वो राजनीतिक दल अपने दल के विस्तार में सरकारी धन का उपयोग कर रहा है या फिर देश के विकास में उस पैसों का इस्तेमाल कर रहा है, वो राजनीतिक दल अपना वोट बैंक बनाने के लिए सरकारी धन लुटा रहा है या फिर सभी का जीवन आसान बनाने के लिए काम कर रहा है, वो राजनीतिक दल सरकारी पैसे से अपना प्रचार कर रहा है या फिर ईमानदारी से लोगों को जागरूक कर रहा है, वो राजनीतिक दल अपने कार्यकर्ताओं को ही विभिन्न संस्थाओं में नियुक्त कर रहा है या फिर सबको पारदर्शी रूप से नौकरी में आने का अवसर दे रहा है, वो राजनीतिक दल नीतियों में इसलिए तो फेरबदल नहीं कर रहा ताकि उसकी आकाओं की काली कमाई के नए रास्ते बने। आप अपने हर फैसले से पहले इन सवालों के बारे में जरूर सोचें। सरदार पटेल जिस ब्यूरोक्रेसी को स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया कहा करते थे, उसी ब्यूरोक्रेसी को उनकी अपेक्षाओं पर भी खरा उतरना है। क्योंकि अब अगर ब्यूरोक्रेसी से चूक हुई तो देश का धन लूट जाएगा, टैक्स पेयर्स मनी तबाह हो जाएगा, देश के युवाओं के सपने चकनाचूर हो जाएंगे। साथियों, जो युवा बीते कुछ वर्षों में या पिछले दशक में देश की सिविल सेवा से जुड़े हैं, उन्हें मैं कुछ बातें विशेष तौर पर कहना चाहता हूं। आप भी जानते हैं कि जीवन जीने के दो तरीके होते हैं। पहला गेटिंग थिंग्स डन और दूसरा लेटिंग थिंग्स हैपन। पहला एक्टिव एटीट्यूड है और दूसरा पैसिव एटीट्यूड का प्रतिबिंब है। पहले तरीके से जीने वाले व्यक्ति की सोच होती है कि हाँ, बदलाव आ सकता है। दूसरे तरीके में विश्वास करने वाला व्यक्ति कहता है, ठीक है, रहने दो, सब ऐसे ही चलता है, पहले से भी चलता है, आगे भी चलता रहेगा, वो तो अपने आप हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। गेटिंग थिंग्स डन, ये यकीन रखने वाले आगे बढ़कर जिम्मेदारी लेते हैं। जब उन्हें टीम में काम करने का अवसर मिलता है तो वो हर काम का ड्राइविंग फोर्स बन जाते हैं। लोगों के जीवन में बदलाव लाने की ऐसी ज्वलंत इच्छा से ही आप एक ऐसी विरासत छोड़ जाएंगे जिसे लोग याद करेंगे। आपको यह भी याद रखना होगा कि एक अफसर के रूप में आपकी सफलता
इस बात से नहीं आंकी जाएगी कि आपने अपने लिए क्या हासिल किया। आपकी सफलता का आकलन इस बात से होगा कि आपके काम से, आपके कैरियर से दूसरों का जीवन कितना बदला है। जिनका जीवन बदलने की जिम्मेदारी आपके पास थी, वे लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। इसलिए आपको ये हमेशा याद रखना है, गुड गवर्नेंस इज द की। जब पीपल सेंट्रिक गवर्नेंस होती है, जब डेवलपमेंट ओरिएंटेड गवर्नेंस होती है, तो वो समस्याओं का समाधान भी करती है और बेहतर रिजल्ट भी देती है। गुड गवर्नेंस में जनता के प्रति जवाबदेही होती है। एक ही राज्य में एक जिला अच्छा परफॉर्म करे और दूसरा न करे तो इसके पिछले असली वजह गुड गवर्नेंस का अंतर ही होता है। हमारे सामने एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स का उदाहरण है। हमने जब जोश से भरे देश के युवा अफसरों को वहां नियुक्त किया, उन्हें गुड गवर्नेंस के लिए प्रेरित किया, तो नतीजे भी बेहतरीन आए। आज अनेक एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स डेवलपमेंट पैरामीटर्स में देश के दूसरे जिलों से भी बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। जब आप इस पर फोकस करेंगे, पीपल्स पार्टिसिपेशन पर फोकस करेंगे, तो जनता में भी ओनरशिप का भाव, उसकी भावना और अधिक मजबूत होगी। और जनता जनार्दन किसी भी योजना की ओनरशिप ले लेती है तो अभूतपूर्व नतीजे आना सुनिश्चित हो जाता है। आप स्वच्छ भारत अभियान देख लीजिए, अमृत सरोवर अभियान देख लीजिए, जल जीवन मिशन देख लीजिए। इनकी सफलता का बड़ा आधार जनता द्वारा ली गई ओनरशिप है। साथियों, मुझे बताया गया है कि आप अपने जिले की आकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए एक डिस्ट्रिक्ट विजन एट 100 तैयार कर रहे हैं। ऐसा ही विजन पंचायत स्तर तक होना चाहिए। अपनी ग्राम पंचायत, अपने ब्लॉक, अपने डिस्ट्रिक्ट, अपने राज्य में हमें किन सेक्टर्स पर फोकस करना है, इन्वेस्टमेंट को आकर्षित करने के लिए कौन कौन से बदलाव करने हैं, हमारे जिले, ब्लॉक या पंचायत में कौन से प्रोडक्ट्स हैं जिन्हें हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं या उस स्तर तक ले जा सकते हैं, इनको लेकर एक स्पष्ट विजन हमारे पास होना चाहिए। आप अपने क्षेत्र में स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए एमएसएमई और स्वयं सहायता समूहों के बीच कड़ियों को जोड़ सकते हैं। आप सभी के लिए लोकल टैलेंट को प्रोत्साहित करना, लोकल एंटरप्रेन्योरशिप को सपोर्ट करना, स्टार्टअप कल्चर को बढ़ावा देना, मैं समझता हूं कि यह समय की मांग है। साथियों, हेड ऑफ द गवर्नमेंट रहते हुए मुझे 20 साल से भी ज्यादा समय हो चुका है। आप में से कई लोग बरसों से मेरे साथ काम कर रहे हैं और मैं तो कहूंगा मेरा सौभाग्य है कि आप जैसे साथियों के साथ मुझे काम करने का अवसर मिला है। आप जानते हैं कि मैंने हमेशा कैपेसिटी बिल्डिंग पर कितना जोर दिया है। मुझे खुशी है कि आज आप सब सिविल सर्वेंट के बीच मिशन कर्मयोगी एक बड़ा अभियान बन चुका है। मिशन कर्मयोगी का मकसद है सिविल सर्वेंट्स के फुल पोटेंशियल का उपयोग करना। कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन इस अभियान को पूरी मजबूती से आगे बढ़ा रहा है। मेरा यह भी मानना है कि ट्रेनिंग और लर्निंग कुछ महीनों की औपचारिकता बनकर नहीं रहनी चाहिए। इसलिए ट्रेनिंग और लर्निंग से जुड़ा क्वालिटी मटेरियल हर जगह हर समय उपलब्ध हो, इसके लिए आई गॉट प्लेटफॉर्म बनाया गया है। अब सभी नए रिक्रूट्स को आई गॉट पर कर्मयोगी प्रारंभ के ओरिएंटेशन मॉड्यूल के साथ भी ट्रेन किया जा रहा है। साथियों, बीते वर्षों में सरकार ने ब्यूरोक्रेसी को एक और बंधन से मुक्ति दिलाई है। ये बंधन
का प्रोटोकॉल और हायरार्की का बंधन, आप जानते हैं कि हायरार्की के बंधनों को तोड़ने की शुरुआत भी मैंने खुद की है। मैं लगातार सेक्रेटरी से लेकर के असिस्टेंट सेक्रेटरी तक से मिलता हूं, मैं ट्रेनी अफसरों के साथ मुलाकात करता हूं। हमने डिपार्टमेंट के भीतर हर किसी की भागीदारी बढ़ाने के लिए, नए आइडियाज के लिए केंद्र सरकार में भी चिंतन शिविर को बढ़ावा दिया है। हमारे प्रयासों से एक और बड़ा बदलाव आया है। पहले वर्षों तक राज्यों में रहने के बाद ही अधिकारियों को डेप्यूटेशन पर केंद्र सरकार में काम करने का अनुभव मिलता था। ये किसी से और किसी ने नहीं सोचा होगा कि अगर इन अधिकारियों के पास केंद्र सरकार में काम का अनुभव ही नहीं होता तो वो केंद्र के प्रोग्राम्स को जमीन पर लागू कैसे करेंगे। हमने असिस्टेंट सेक्रेटरी प्रोग्राम के जरिए इस गैप को भी भरने का प्रयास किया। अब युवा आईएएस अपने कैरियर की शुरुआत में ही केंद्र सरकार में काम करने का, उनके अनुभव लेने का मौका मिलता है। सीनियर मोस्ट लोगों के साथ उसको कुछ सीखने को मिलता है। हमें इस तरह के इनोवेशन को आगे बढ़ाना है। इन प्रयासों को परिणामों के लिए और शिखर पर ले जाने के लिए निरंतर कोशिश करनी है। साथियों, विकसित भारत के लिए 25 वर्षों की अमृत यात्रा को देश ने कर्तव्यकाल माना है। आजादी की शताब्दी देश की स्वर्ण शताब्दी तब होगी जब हम कर्तव्यों को पहली प्राथमिकता देंगे। कर्तव्य हमारे लिए विकल्प नहीं, संकल्प है। ये समय तेजी से बदलाव का समय है। आपकी भूमिका भी, आपके अधिकारों से नहीं, आपके कर्तव्यों और उनके पालन से तय होगी। नए भारत में देश के नागरिक की ताकत बढ़ी है, भारत की भी ताकत बढ़ी है। इस नए उभरते भारत में आपको अहम भूमिका निभाने का अवसर मिला है। आजादी के 100 साल बाद जब इतिहास आकलन करेगा तो आपके पास अवसर है कि उसमें एक प्रमुख नाम आपका भी हो। आप गर्व से यह कहें कि मैंने देश के लिए नई व्यवस्थाओं के सृजन में भूमिका निभाई है, व्यवस्थाओं को सुधारने में बड़ी भूमिका निभाई है। मुझे विश्वास है कि आप सभी राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका को विस्तार देते रहेंगे। कैपेसिटी बिल्डिंग हर पल हमारी कोशिश रहनी चाहिए, खुद के लिए भी, साथियों के लिए भी और व्यवस्था के लिए भी। हमें उत्तरोत्तर नई ऊंचाइयों को पार करने की स्थितियों को प्राप्त करता ही रहना होगा। मुझे विश्वास है कि सिविल सर्विस डे वार्षिक रिचुअल नहीं है। ये सिविल सर्विस डे संकल्पों का समय है। ये सिविल सर्विस डे नए निर्णयों का समय है। निर्णयों को निर्धारित समय में कार्यान्वित करने का उत्साह और ऊर्जा से भरने का अवसर है। इस अवसर से एक नई ऊर्जा, नई प्रेरणा, नई शक्ति, नया सामर्थ्य, नया संकल्प यह लेकर के हम चलेंगे तो जिन सिद्धियों को प्राप्त करना चाहते हैं उन सिद्धियों को हम खुद छू करके देखेंगे। इसी विश्वास के साथ मेरी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद।